हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा लोल क्यूज में आप लोगों का स्वागत है। ये क्यूज फ्रीक्वेंटली आ रहा है, धीरे धीरे रेगुलर भी आप लोगों के लिए रहेगा और ये आपको 9 बजे PM को मिलता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे और सभी नोटिफिकेशन का जो बेल है ना उसको आप दबा लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन है आपका जो BPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है A to Z उसी लेवल का रहेगा दोस्तों, आप इसको देखिए। चलिए आइए देखते हैं आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। तो पहला ऑप्शन है 2.5 अरब वर्ष पूर्व, बी ऑप्शन है 3.5 अरब वर्ष पूर्व, सी ऑप्शन है 4.5 अरब वर्ष पूर्व और डी ऑप्शन है 5.0 अरब वर्ष पूर्व। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग कितना द्रव्य सूर्य में निहित है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन 75.99 और 83.33, 91.99 और 99.99। तो सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग कितना द्रव्य सूर्य में निहित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बैरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये चारों जगह से गुजरती है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बैरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर ये सभी जगह से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। 12, 20, 28 या 32 मीटर, ठीक है, मीटर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है आपका अरब का प्रायद्वीप है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पे हर सप्ताह मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में, गर्त मतलब गहराई होता है, पिंडनाओ, टोंगम, मेरियाना, रोमसे। तो निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में है, तो ये पिंडनाओ, टोंगम, मेरियाना सभी है एक डी को छोड़कर, ठीक है ना, ये तीनों जो है आपका उसी में है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका तीनों उसमें है, इसलिए ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर का गर्त है, पिंडनाओ, टोंगा, मेरियाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वर्तमान में प्याज उत्पादन में भारत सर्वप्रथम कौन है, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो ये आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान में प्याज उत्पादन में, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में आए फोनी तूफान से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। और पांचवा ऑप्शन तो ये होगा ओडिशा, फोनी तूफान से प्रभावित हुआ ओडिशा। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि स्टेपी कहाँ पाई जाती है, चीन के मंचूरिया प्रदेश, यूक्रेन, रूस या ब्राजील, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी आपका आंसर ये होगा दोस्तों, ये तीनों जगह पे जो है स्टेपी पाया जाता है, सिर्फ ब्राजील को छोड़कर, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि स्टेपी जो है चीन के मंचूरिया प्रदेश, यूक्रेन, रूस सभी जगह, ठीक है, ब्राजील को सिर्फ छोड़कर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ उपस्थित है? भारत, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वो आपका नेपाल में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कांडला गुजरात, बी गुरुग्राम हरियाणा, सी भुवनेश्वर उड़ीसा, डी देहरादून उत्तराखंड। तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो कांडला गुजरात। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, रियाद, दिनार या यूरो? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो ऑप्शन ए होगा, रियाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पेशावर आयोग को संवैधानिक स्थिति की संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो 90वां, 99वां, 102वां, 104वां। तो राष्ट्रीय पेशा आयोग को संवैधानिक स्थिति, ये हाल फिलहाल की बात है, ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न से किसके समकक्ष होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, उपराष्ट्रपति और पांचवा ऑप्शन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मंत्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और पांचवा ऑप्शन। तो ये होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छियालीस नंबर क्वेश्चन। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक अधिकारी। चलिए यहाँ पे छूट गया है। ये आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक अधिकारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? उच्चतम न्यायालय, संसद, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो होती है ऑप्शन बी, संसद का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यायिक निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? योजना आयोग, अभी नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये आपका आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह चुनाव जीतने में सफल हो जाता है, बी है जब वह कुछ मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, कुल मतदान, ठीक है ना, कुल के जगह पे कुछ हो गया, जब वह कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता हो, ये कुछ कुछ को कुल समझिएगा, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन डी ही सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तीसरी और चौथी, चौथी और पाँचवीं, पचवीं और साठवीं, छठी और सातवीं। आंसर होगा 51 का ऑप्शन सी, पचवीं, पाँचवीं और छठी में अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351। आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 का दो। तो ये होना चाहिए आंसर अनुच्छेद 123। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की तीन सूचियां, न्यायपालिका की द्विविधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के कितने प्रतिशत के बराबर होने का अनुमान है? 1%, 2%, 3%, 4%। तो ये 55 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपास पर सीमा शुल्क 10% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 11%, 12%, 13% या 15%। तो ये हो जाएगा 56 का डी। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 2021, 2020, 2019, 2020। तो 57 का बी होगा, 2020। आइए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही प्रकाशित लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितना हो गया है? 65.3 साल और 18.4 साल, 70.8 साल, 80.8 साल। तो आंसर होगा 70.8 साल हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस, अमेरिका, भारत या सिंगापुर? तो आंसर होगा सिंगापुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, VVFAT का पूर्ण रूप क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटिंग वेरीफाइंग पेपर ऑथेंटिकेशन टेस्ट, वेरी परफेक्ट पेपर ऑडिट ट्रेल और ये वोटर वेरिएशन पेपर एक्चुअल टेस्ट। ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आज के क्यूज में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्यूज में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें। चैनल जिन्होंने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए।